मौत जिससे हर कोई डरता है, एक ऐसा सत्य जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, पर हम माने ना माने लेकिन एक मौत ही ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बराबरी पर रखती है। चाहे वो बिलियनर हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, मौत सबके लिए बराबर है, चाहे गरीब हो या अमीर। तो इस पर इंडियन फिलोसोफर और थिंकर बहुत बड़े हैं जिनका नाम है सदगुरु। उन्होंने इसके ऊपर पूरी बुक लिख डाली कि क्यों हमें मौत को समझना ज़रूरी है ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, इस बुक की अमेजिंग लर्निंग जो मैंने पढ़ने वक्त सीखी और मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करना, क्योंकि सब लोग समझो मौत क्या है। मैं भी मौत को बहुत हल्के में लेता था और डर के रहता था, पर जब से मैंने मौत को समझा है तब से जीने का मज़ा अलग आ रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। चलो फिर देखते हैं इसकी 5 अमेजिंग लर्निंग्स। फर्स्ट वन, यू फियर डेथ बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। एक एवरेज या मीडियोकर इंसान क्या करता है, वो चाहता है कि अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे, जैसे कि नाचना, गाना, खाना खाना, सारी हैबिट्स को करना, लाइक लड़की पटाना, जो भी आप कह लो, जो भी आपके दिमाग में वाइल्ड थॉट्स आते हैं, कुछ भी ऐसा, क्योंकि उसको पता है कि वो एक दिन मर जाएगा। लेकिन वो अनअवेयर है, वो ये नहीं जानता कि मौत आ रही है, लेकिन मौत को समझना भी ज़रूरी है। वो इस तरह दिखता है कि अरे बाप रे, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, अरे ये कर लेता हूँ, अरे इतनी लड़कियाँ बना लेता हूँ, अरे इतना खा लेता हूँ, अरे ये कर लेता हूँ, बट वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आप एक अनअवेयर इंसान हो जब तक आप डेथ को समझोगे नहीं। यहाँ पर सदगुरु याद दिलाते हैं कि जिस दिन आपने मौत के ऊपर बैठकर सोच लिया, मेडिटेट कर लिया या पढ़ लिया, आप समझ जाओगे कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और हर दिन को जीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर किसी से सदगुरु इस किताब में रिक्वेस्ट करते हैं कि मौत के बारे में पढ़े, डेथ को समझे कि मौत आ रही है, क्या मरने से पहले आप कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो, क्या लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हो, क्या कुछ ऐसा बना रहे हो जो दुनिया को याद रहेगा आपके जाने के बाद, कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको याद दिलाती है कि आपके पास समय तो है पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड, हर दिन ख़त्म हो रहा है तेज़ी के साथ। सेकेंड लर्निंग, डेथ इज़ नॉट अ बैड थिंग। सदगुरु इस पर याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी भर लोग यही सोच के डरते रहते हैं कि मौत आएगी, मुझे ये करना है, वो करना है, और अंत में वो अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश रहते हैं क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लिया होता है और वो शायद पूरा बहुत सारा नहीं कर पाते हैं। लेकिन सदगुरु याद दिलाते हैं कि डेथ बैड थिंग नहीं है, ये तो रियलिटी है। फ्रॉम द टाइम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, फ्रॉम द टाइम ऑफ यूनिवर्स बिल्डिंग, जब से बिग बैंग हुई है, जब से दुनिया अस्तित्व में आई है, जब से बड़े बड़े लोग आए हैं, जो भी लोग आए हैं, सब ने मौत को देखा है, सब किसी ने मौत को एक्सपीरियंस किया है, मौत तो आना ही है, तो इसे डरना क्यों है, इससे अच्छा क्यों नहीं हम इसको एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है आने वाला है, इससे पहले तो मैं खुल के जीऊंगा, जैसा चाहूं वैसा बिजनेस बनाऊंगा, जैसा चाहूं वैसी लाइफ बनाऊंगा, जैसा चाहूं वैसे क्वालिटी अपने पेरेंट्स को दूंगा। इस तरह का थिंकिंग आ सकता है जब आप डेथ को डिटेल में समझने की कोशिश करोगे। इस लर्निंग ने मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि दुनिया में कितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स, थिंकर्स, मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, सोक्रेट्स हो गए, सार्ट्रे हो गए, कालियुम हो गए, साइगमंड फ्रेड हो गए, बहुत लोग आए, लेकिन सब ने अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया इस दुनिया के लिए, पर अंत में मौत को वो भी चले गए। थर्ड वन, सदगुरु याद दिलाते हैं कि प्लीज़ आप अपनी बॉडी को अपना नहीं समझे, वी आर नॉट आवर बॉडी। इसका मतलब क्या है, मौत ये याद दिलाती है कि आप अपनी बॉडी नहीं। हमें लगता है कि मैं तो अपना हाइट हूँ, मैं तो अपना नाम हूँ, मैं तो अपनी जात हूँ, मैं तो अपना देश हूँ, मैं तो अपना ये हूँ, वो हूँ, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास इतने सारे फॉलोइंग है। नहीं, सदगुरु बोलते हैं आप अपनी बॉडी, अपने इमोशंस नहीं हैं, आपको इन सबसे अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप एक सोल हैं, एक पावरफुल सोल है जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हाँ आप अपनी बॉडी नहीं है, आप तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना आए थे, जो ना कभी जाओगे, आप एक अमर हो, तभी तो बोलते हुए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, शरीर आती है, शरीर चली जाती है, लेकिन मौत आत्मा की कभी नहीं होती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए, अपनी चीज़ों को सही से पाने के लिए, आप अपनी बॉडी नहीं है। जो भी चीज़ आपकी बॉडी मांगती है, मे बी आप फूड, सेक्स, लग्जरी, चीप इंटरटेनमेंट, आप याद दिलाओ कि मेरा मकसद क्या है, मौत आ रही है, क्या मैं ऐसी चीज़ें कर पा रहा हूँ मौत से पहले, कुछ अच्छा बना पा रहा हूँ, लोगों की ज़िंदगी बदल पा रहा हूँ, तब आप समझोगे कि आप सिर्फ छोटे मोटे प्लेजर से बहुत बड़े हो और आपका मकसद बहुत बड़ा है इस दुनिया के अंदर। फोर्थ वन, इस पर सदगुरु याद दिलाते हैं कि बहुत सारे इंडियन घर के अंदर स्पेशली जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास ना नौकरी होती है, कुछ खास करने को नहीं होता है, तो वो घर के मामलों में बहुत ज़्यादा घुसने लगते हैं, इससे चीज़ें खराब होती हैं, बहुत बार झगड़े, फसाद,
बहुत कुछ होता है बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। सदगुरु याद दिलाते हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतता है आप अपने बुढ़ापे की तरफ बदलने लगते हो। आफ्टर अ सर्टेन एज जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कंप्लीट हो जाते हो, जैसे कि अच्छे से बच्चों को बड़ा करना, अच्छे से नौकरी करना, देश के लिए कुछ अच्छा करना, सब कुछ हो गया, तो अब आपको अपने घर से थोड़ा मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, जहाँ आप सिर्फ प्रकृति के करीब रहें। और ये बात वो याद दिलाते हैं क्योंकि जब तक आप प्रकृति के पास नहीं जाओगे आप ये नहीं समझ पाओगे कि अभी तक आपने जो किया वो क्यों किया और आपका मकसद क्या था इस दुनिया में आने का। जैसे जैसे मौत के करीब आए, वक्त के साथ अपने आप को प्रकृति से जोड़े, आप देखिए कि कैसे कैसे आप मौत को एक्सेप्ट कर रहे हो और सब कुछ अच्छा लग रहा है। जो भी आपने जिया, जैसा भी आपने जिया, सबको आपने माफ़ कर दिया, आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप एक सुकून की ज़िंदगी चाहते हो जो नेचर के करीब रहकर बहुत आसानी से पाई जा सकती है। फिफ्थ वन, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट पास्ट इज़ योर एनिमी, यूज़ इट ओनली फॉर रिफ्लेक्शन। एक अमेजिंग फिलोसोफर हुए 20th century में जिनका नाम था एल्फ्रेड एडलर, जिनके साइकोलॉजी पर एक बुक भी लिखी गई है, द करेज टू बी डिसलाइक। उसके अंदर एक लाइन भी है, यही लाइन जो मैंने कहा कि पास्ट इज़ योर एनिमी, यूज़ इट ओनली फॉर रिफ्लेक्शन। सदगुरु भी यही याद दिलाते हैं कि आप माने ना माने, मे बी आपको याद आता है कि आपका कॉलेज का दिन कितना अच्छा था, स्कूल का दिन कितना अच्छा था, सब दिन लौट के क्यों नहीं आते। नो, ये सब आपके एनिमी हैं। आपको पास्ट से सिर्फ सीखना है कि क्या गलती हुई, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, मैं कैसे इम्प्रूव हो सकता हूँ। इवन एक ग्रेट फिलोसोफर ने यह भी कहा है कि अगर आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से बेहतर नहीं है तो आप शायद ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी रहे हो या आपने कुछ अच्छा नहीं किया है अभी तक। सो सदगुरु याद दिलाते हैं कि प्लीज़ अपना कीमती वक्त, कृपया करके अपना कीमती वक्त जो बहुत ही लिमिटेड है, जो मौत के साथ साथ और करीब आ रहा है, पास्ट में डिग नहीं करें। जो भी लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, इवन मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत कुछ जो मैं इस पॉडकास्ट पे बता भी नहीं पाऊँगा, फिर भी मैंने सबको माफ़ कर दिया और आप भी कर दो, क्योंकि ज़िंदगी में भी बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट से भरी है ज़िंदगी। तो डिग नहीं करें पास्ट के अंदर, जो भी लोगों ने गलती की, जैसा भी किया, जो भी फेलियर्स हुए, जो भी चीज़ें हुई, सबको माफ़ करके आगे बढ़ना सीखो। अभी जो ज़िंदगी आपके पास है उसको जीना सीखो और सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए पास्ट को यूज़ करो कि आपने क्या सीखा और आगे वो गलतियाँ आप नहीं करोगे। और यह सदगुरु इसके साथ एंड करके बोलते हैं कि अगर आप इतना भी कर लो, आप ज़िंदगी एक बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से जियोगे और कुछ ऐसा बनाकर चले जाओगे कि दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको याद रखेगी। तो ये था दमदार पॉडकास्ट। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पाया और आज मैं लिटरली ज़िंदगी को अलग लेवल पे जी रहा हूँ। पहले मैं हर चीज़ करता था फॉर बॉडीली प्लेजर कि ये मिल जाए, वो हो जाए, शॉर्ट टर्म गेम, शॉर्ट टर्म मनी बनाने का तरीके ढूंढना, पर अब नहीं। अब मैं समझता हूँ कि मौत आ रही है, क्या मैं उससे पहले कुछ अच्छा बना पा रहा हूँ, और आपको भी सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करने के लिए फॉलो कर लो या सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार वीडियो मिस मत करो। लाइक कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कर सकते हो किसी टॉपिक पे या बुक पे समरी चाहिए तो, हर सैटरडे हम वीडियो या पॉडकास्ट डाल देते हैं, तो शेयर करना भी ना भूले। और मिलते हैं किसी ऐसे ही दमदार बुक के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए लॉगिंग आउट।